सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग गाइस। और आज हमारा सेकंड व्लॉग है। यस, फर्स्ट व्लॉग हमारा बन चुका है, उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए थे, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जाके वो देख लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम किचन में आ चुके हैं। आंटी कितना रहते हैं मेरा अला, अला जी। ओ जी ला। क्या क्या कर दो। हमारा चीनी वाला पराठा भी बन रहा है, तकरीबन 12-13 हुए हैं अभी, है ना। हाँ 12-13 हुए हैं। करती धूप है, चल गाइस नाश्ते के टेबल पर चलते हैं। तो ये जी हमारा नाश्ता, चीनी वाला पराठा। अब मैं आपसे खा के मिलता हूँ गाइस। चलिए गाइस अब देखते हैं हमने क्या पहनना है। पीछे मेरा क्लोजेट पड़ा है, अब देखते हैं निकालते हैं क्या पहनना है। दैट्स माय टुडे आउटफिट एंड लेट्स गो। इसको प्रेस करते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं यहाँ पे मैं इस्त्री कर रहा हूँ अपने कपड़े। फ्रंट साइड हो गई है एंड अब बैक साइड करेंगे। देखिए हमारी शर्ट इस्त्री हो गई। लेट्स डू दिस एंड साइड हो रही है। तो गाइस मेरे कपड़े इस्त्री हो गया, अब मैं आपसे पहन के मिलता हूँ। तो आई एम रेडी एज पर टुडे आउटफिट, रेडी 10 out of 10 एंड अब हम नमाज पढ़ के मिलते हैं। तो गाइस जोहर असर की मैंने नमाज पढ़ ली है एंड अब क्या करना है क्या नहीं करना आई डोंट नो। तो मैं आ गया हूँ टेरेस पे। टेरेस पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे नहीं करना होगा। इस लगे आज आपको डियागो कैबिनेट ही दिखा दें हम। लेट्स गो गाइस डियागो कैबिनेट की तरफ। तो ये लगा इसमें डियागो कैबिनेट। सो मैंने इसमें थोड़े और चेंजेस कर दिए थे एंड लास्ट टाइम में शॉर्ट्स में मैंने ये यहाँ पे लगाया था एंड ये तो लगाया ही नहीं था ना, तो ये भी मैंने लगा दिया एंड अब लग रहा है वेलकम टू माय डीआईवाई कैबिनेट। एंड घर में फ्लावर्स पड़े थे तो वो लगा दिए, अल्फ़ाबेट्स पड़े थे वो लगा दिए एंड अब अंदर का भी दिखा दें। तो अंदर सबसे पहले ये तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है। सो ऊपर सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया अपने सारे बॉक्सेस जिसमें मेरे से सब ये हम मेरे हैं। ये वाली है मेरी अल्कोहल मार्कर्स, ये देख लीजिए। एंड देन फिर मेरे पास ये वाला, इसमें कुछ पेंट्स हैं जो चलते नहीं हैं लेकिन फिर भी रखे हुए हैं एंड ये सीजर्स हैं, दो पॉइंटर्स हैं, ये पेंट ब्रशेज, ये थोड़ी सी स्केल्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स, ये पेंस, पीछे पेंसिल कलर्स एंड देन फिर और पेंसिल्स। हाँ एंड इसमें ओह माय गॉड सब कुछ गिर गया। हाँ इसमें द वन एंड ओनली मेरे वो पड़े हुए हैं स्टिकर्स, देखे नेम और स्टिकर्स एंड देन फिर मैंने यहाँ पर ये चीज़ें रख दी एंड दैट्स देन फिर आई मेरी टेप, फिर ये मेरे भंडार स्टेशनरी इरेजर्स एंड शॉर्पनर्स, इसकी अब मुझे कमी नहीं पड़ने वाली। देन फिर ये मेरे मार्कर्स का, ये आपको खोल के दिखाता हूँ। जा भाई खुल जा, खोलता हूँ खुल जा। ये देखिए इसमें मेरे मार्कर्स पड़े हैं, मार्कर्स की भी कमी नहीं है मेरे पास। इसमें मेरी थोड़ी फाल चीज़ें भरी हुई हैं, कैंचीज वगैरह वाली हैं, वो मेरे
ऑयल पेस्टल्स, उसके नीचे भी ऑयल पेस्टल, ये वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, ब्रश टिप मार्कर्स, ये आपको पता ही होगा, ड्राइंग टैबलेट, ये भी डीसी का डायरी, एंड वो मंडाला आर्ट बुक जो फुल है, ये टूथपिक भी, ओए टूथपिक में मैंने रखी ली थी क्योंकि मैंने बहुत सारे आइडियाज देखे हुए हैं टूथपिक से भी, तो वो भी बनाया जाएगा, तो मैंने टूथपिक भी रखी हुई है, कितना क्यूट है ये, है ना। हाँ, सो दिस इज माई कैबिनेट, अंदर कर देते हैं एंड इसको हम कर देंगे अब बंद। एंड ये वाला कैबिनेट खोल के देखें तो इसमें मेरी बुक्स पड़ी हैं एंड ये दो मेरे ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स पड़े हैं जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। एंड यही था मेरा डीआईवाई कैबिनेट। अब मुझे सबसे पहले ये लग रहे हैं, कितना क्यूट लग रहे हैं, कल मैंने बहुत मेहनत की थी इनको बनाने में। इन सब में से 1, 2, 3, 4, 5 फाइव है, इन सब में से नहीं फोर, हाँ फोर है, 1, 2, 3, 4, 5 हाँ फाइव है। इन फाइव में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? आई थिंक सो, मैं मुझे तो अच्छा लगा वो जो देख रहे ना वेलकम, वो अच्छा लगा क्योंकि वो मैंने सबसे पहले बनाया था। कैबिनेट भी प्यारा है रेनबो, लेकिन मैंने अपना ही रेनबो बनाया, ये कलर से होते भी नहीं रेनबो। एंड देखिए कैबिनेट का सी, माए का एम, वेलकम का डब्ल्यू, टू का टी, डी आई वाई का टी डी, एंड ये फ्लावर्स घर में पड़े थे तो वो लगा लिए मैंने। एंड अब ये कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है, अच्छे से दिखा देते हैं, ये देखिए गाइस ना क्यूट लग रहा है ना, ये देखिए। हाँ अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, क्या दिखाऊँ जी आपको, आर्टवर्क दिखा देता हूँ अपने, रुके मैं आर्टवर्क को निकाल कर मिलता। तो गाइस मैंने अपनी आर्ट की फाइल निकाल ली है, सबसे पहले ये मैंने बनाया था अपने से एक अनाम करेक्टर बनाया था, इसको आपने 10 में से रेट देना कि आपको ये कैसा लगा। एंड अब इसको हम साइड पर रख देंगे। देन फिर मैंने ये भी बनाया था, ये भी एक हिसाब का मैंने अपने से ही बनाया था, लेकिन आई थिंक से थोड़ा गोजो लग रहा है, तो इसको भी आप 10 में से रेट दे ही सकते हैं क्योंकि आई थिंक से मैंने अपने से बनाया था। एंड देन फिर और यहाँ जिसे मेरी देखी है जूलिया के ज़्यादा की ड्राइंग, और जिन्हें नहीं देखी है मैंने जूलिया के ज़्यादा की ड्राइंग की थी, ये देखे जिसने मेरी शॉर्ट्स की वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए। एंड ओ हाँ, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था डिज़ाइन, ये कैसा लग रहा है आपको, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, बड़े क्यूट है। और हाँ रनिंग गन की ड्राइंग ये मैंने बनाई थी, इसको भी आप 10 में से रेट दे सकते हैं। और हाँ ये मेरी अमंग अस स्प्लिट आर्ट, ये मेरी फर्स्ट स्प्लिट आर्ट थी, जो कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो मैंने अमंग अस की स्प्लिट आर्ट कर ली। देन फिर और क्या बना मेरा बन जाने का नाम है, हाँ ये तो आप लोगों ने देखी होगी ना मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, ये देख लीजिए, देखिए गाइस मैंने दुबई में बनाई थी, मुझे पहली दफ़ा कैनवस मिला था उस टाइम। एंड देन यहाँ पे कुछ फालतू क्लास की आर्ट पर वो जो आर्ट पीरियड में करता हूँ मैं, वो पड़े हैं नीचे, कितना प्यारा है ना ये मैंने क्रियॉन से बनाया था। ओके गाइस अब मैं अपना एक मास्टरपीस ढूंढ के आपसे मिलता हूँ। गाइस आई थिंक सो मेरा मास्टरपीस इज लॉस्ट, उसकी मुझे मिल नहीं रही फाइल, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया वो, लेकिन अब आगे वैसा ही एक और मास्टरपीस आने वाला है तो उसके लिए भी देर है, एंड वो होने वाला है अभी
तो मैं ड्रैगन बॉल्स का बना देता हूँ। अब आई थिंक या तो वो नारुतो का होगा या फिर डेमन स्लेयर का, अब देखते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट, और कुछ दिखाने को है नहीं मैंने पर आपको। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, या फिर ब्लॉग भी नहीं होगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कॉल पर कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।